हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी होम कुक्ड। मैं अरुणिमा और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रोस्ट की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा एंड ओनली 3 इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगा एंड ये बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। पहले एक पूरा चिकन ले लेंगे और उसको अच्छे से साफ कर लेंगे अंदर से, और ऊपर का जो स्किन होता है उसको भी निकाल दीजिए। आप चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं। अब एक टिश्यू पेपर से जो एक्सेस वाटर रह जाएगा चिकन के ऊपर वो अच्छे से सोक कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर से इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। पूरा चिकन की ऑल साइड में इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अब कुछ रोज़मेरी ले लेंगे और उसको स्टेम से अलग कर लेंगे और अच्छे से उसको चॉप कर लेंगे बिल्कुल फाइनली। अच्छे से चॉप कर लिया है और हमने एक बाउल में 200 ग्राम बटर ले लिया है और चॉप किया हुआ रोज़मेरी को उसमें डाल देंगे। डाल दिया। अब इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, और 4 गार्लिक को ग्रेट करके डाल देंगे। अब इसको साइड में रख के 1 टेबलस्पून लेमन जेस्ट निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब इसको उसी बाउल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बटर मैरिनेशन बनके रेडी हो गया है। अब हमने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इससे। अब ब्रश से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे। बटर लगा लिए हैं। अब हमने उसी लेमन को पोक कर लेंगे एक फोक से और इसको चिकन के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, लेमन अच्छे से बेक हो जाते हैं तो फिर उससे जो जूस निकलता है उससे चिकन का टेस्ट और बढ़ जाता है। बेक होने के बाद लेमन का टेस्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब 4-5 ऑनियन स्लाइस और थोड़ा सा रोज़मेरी चिकन के अंदर डाल देंगे। अब कोई भी एक बेकिंग डिश ले लें और उसमें आलू और ऑनियन और 2-3-4 गार्लिक डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और सॉल्ट मिला लेंगे।
अब चिकन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चिकन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा फॉइल पेपर को इस तरह से मोड़ लेंगे और इससे चिकन के लुक को मोड़ लेंगे। अब हमारा चिकन मैरिनेट के लिए रेडी हो गया है। इसको 200 डिग्री सेल्सियस में 90 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 90 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं चिकन लेग से अलग होने लगा है। इसका मतलब हमारा चिकन अच्छे से बेक हो गया है। हमारा चिकन रोस्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसे घर में ज़रूर बनाएं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। तब तक बाय बाय।